हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। डियर, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डियर, आपके सामने हमेशा की तरह दो नंबर हैं, नंबर वन, नंबर टू। देखेंगे हम कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जल्दी से कोई एक नंबर चुन लीजिए, बात करेंगे जिन्होंने नंबर वन चुना है। तो हेलो डियर, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड डियर, देखिए, जिस पर्सन का भी नाम आपने अपने मन में लेकर ये नंबर चुना है, देखते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए क्या है और वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। तो देखिए डियर, ये जो पर्सन हैं इन्हें आप अपने दिलो जान से प्यार करते हैं। पहले आप ही के बारे में बात कर लेते हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में एंड ये समझिए कि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ से दूर हो गए तो आपकी लाइफ से सभी खुशियाँ चली जाएंगी। आप एकदम से अंधेरे में आ जाएंगे, एकदम ब्लाइंड हो जाएंगे आप, है ना। आपके सामने कुछ नहीं रहेगा बिल्कुल भी, इनके बिना आपको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं। आप देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है डियर, है ना। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे एंड ट्रूली लव है, आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, हमेशा आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट मानते हैं। लेकिन इनका जो सबसे इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि ये अपनी फीलिंग छुपाते हैं, अपनी फीलिंग सामने नहीं रखते, अपना लव कन्फेस नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं लेकिन छुपाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग आपके सामने शेयर की तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए। प्यार आप भी इनसे करते हैं और ये भी, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए अपनी फीलिंग छुपाते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। एंड अब बात करेंगे जिन्होंने नंबर दो चुना है। तो हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। डियर, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको क्या समझते हैं। देखिए डियर, जर्नल रीडिंग है। मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जर्नल रीडिंग है, सबसे कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी कनेक्ट नहीं भी होती है, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप हमारी आने वाली वीडियो देखेगा या फिर हमारी पहली वीडियो देखेगा, वो आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन जो हैं। पहले तो हम आपसे बात करते हैं कि आप क्या समझते हैं इनके बारे में। आपके दिल में इन पर्सन के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शक है इस पर्सन के लिए कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में, आपको ऐसा लग रहा है ना। तो आप इन पर शक करते हैं, काफ़ी टाइम से आप दोनों का लड़ाई झगड़ा भी है, बहुत कम कॉन्टैक्ट है या फिर नहीं है, है ना, लेकिन बहुत टेंशन में हैं आप भी इनकी वजह से। आप देखते हैं ये आपको कैसा समझते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी प्योरिटी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे एंड आपके अलावा इन्हें कुछ चमकता नहीं है। लेकिन ये क्या है ना, ये ईगो वाले पर्सन है, इनके अंदर ईगो है, सामने से शुरुआत नहीं करेंगे। इन्हें सब कुछ पता है, आप इन्हें चाहते हैं, आप इन पर शक भी कर रहे हैं, लेकिन सामने से सफाई नहीं देंगे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सफाई क्यों दूँ, इन्हें ऐसा लग रहा है। प्यार बहुत करते हैं आपसे एंड कोई भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ में नहीं है, लेकिन ये आपसे इस बात को कन्फेस नहीं करेंगे, आपसे कहेंगे नहीं कि आप मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कर नहीं कहेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं क्यों सफाई दूँ। ये सच्चे इंसान हैं, साफ दिल है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत अपना मानते हैं, लेकिन ईगो है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनकी तरफ से परेशानी होती है। एंड यार, रीडिंग कनेक्ट हुई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यार, ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।